हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये गोल्डन कलर का नीसा हेयर कलर क्रीम। बिल्कुल गोल्डन गोल्डन ब्राउन कलर का ये आपका हेयर हो जाएगा। मैं इसको पूरा अपने ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। इस पर प्रॉपर वे में लिखा हुआ है कि आईज़ पे और आँखों पे, आईब्रोज पे नहीं लगना चाहिए। अगर लग जाए गलती से तो तुरंत पानी से वॉश कर लीजिए। अगर फिर भी जलन नहीं ख़त्म होती है तो आप अपना डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। और स्कैल्प पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। इस पर पूरा लिखा हुआ, स्कैल्प पे अगर डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो हो सकता है खुजली हो, इचिंग हो और इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो आप इसको डायरेक्ट स्कैल्प पे अप्लाई मत कीजिएगा। और मैं अपने बालों पे पूरा अप्लाई करने वाली हूँ और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले मैंने ब्लैक हेयर कलर किया था, इनेगा का ये हेयर ब्लैक हेयर कलर है। 100% ग्रे हेयर को कवर करता है। तो मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा तक 30% तक वाइट हो चुके थे। तो मैंने इसको लगाया था पहले ग्रे हेयर को कवर करने के लिए। और ये मेरा ब्लैक हेयर है तो अभी इसको गोल्डन करने वाले हैं। तो ब्लैक हेयर मेरे ऊपर सूट नहीं करा। काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स की कमेंट आ रही थी कि मैम ब्लैक हेयर अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप ब्राउन दोबारा से कीजिए। तो मैंने ये वाला मंगाया था और इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पे इसको ओपन कर लेती हूँ, इसके अंदर क्या क्या है वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ आपको। ओ सॉरी, बॉक्स गिर गया। तो ये देखिए, इसको मैंने ओपन कर लिया और इसके अंदर क्या-क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। शेयर करने वाली हूँ इस तरीके से बनाया हुआ है। इस पे आपको ब्रश, कंडीशनर, वैसे दिया हुआ है, इसके अंदर कलर क्रीम मिलेगा। ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। हैंड ग्लव्स है और जैसा कि बनाया हुआ था ये हमारा है कलर क्रीम। ये हमारा कलर क्रीम है, ये हमारा है डेवलपर, सेकंड नंबर है। एंड इसमें आपको एक ब्रश दिया हुआ है, इसके अंदर इस तरीके से एक ब्रश दिया हुआ है जो आपको। एंड इसके बाद आपको दिया हुआ है कंडीशनर, कंडीशनर दिया है। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर है तो आप तीनों अप्लाई कीजिएगा, मेरे जितने हैं तो दो, एंड बॉयज़ के लिए वन कंडीशनर काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है और एक ग्लव्स भी दिया हुआ है। इस तरीके का खाली कार्ड दिया हुआ जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है और ये इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये ग्लव्स है तो ग्लव्स पहन लीजिएगा, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है कि आपकी स्किन के साथ लगते ये इचिंग या फिर इन्फेक्शन दे सकता है। तो आप इस ग्लव्स को पहन लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ग्लव्स पहन ले रही हूँ और कैसे मिक्स करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पर कांच का बाउल लिया है और ये डेवलपर लिया है। इसको पहले मैं हाफ यूज करूँगी और उसके बाद से अगर मुझे कम लगेगा तो फिर पूरा यूज करूँगी, क्योंकि पूरा इस बाउल में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं हाफ़ ही बना रही हूँ। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो हाफ कलर यहाँ पे, सॉरी डेवलपर मैंने इसमें डाल दिया है कटोरी में, बाउल में। ओके, हालांकि पूरा बालों में मेरे लग गया था। और ये कलर क्रीम है, इसके अंदर इस तरीके से पिन दिया हुआ है। इसी से आप इसको हॉल कर लोगे और ये ईजिली निकलने लग जाएगा। फिर इसको इसके अंदर आधा पूरा निकाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे एक दिखाई नहीं दे रहा तो मैं कैमरे को थोड़ा इधर कर देती हूँ, नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, और ये बैग वैग मेरी पैकिंग है, मैं बाहर जाने वाली हूँ राजस्थान, तो उसमें मेकअप का सारा सामान वगैरह सेट किया है। ये बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा और आप कलर पर ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आधा मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ब्रश की मदद से, इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए मिक्स करने के बाद से दो मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है और दो मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। और फिर से कैमरे को ऊपर करते हैं और ये देखिए कैसे अप्लाई करना है। डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाना है, तो आपको इस तरीके से पार्टिंग करना है बालों का। और जैसे स्कैल्प से एक एक इंच नीचे छोड़ के इस तरीके से कलर को अप्लाई करना है। देखिए एक एक इंच, डायरेक्ट स्कैल्प के साथ नहीं लगाया मैंने। ओके, और फिर सेकंड लेयर लेंगे और एक एक इंच नीचे से इस तरीके से कलर को अप्लाई करते जाएंगे। फाइनल रिजल्ट वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इस तरीके से पूरे बालों पर अप्लाई करेंगे। ओके, कभी भी स्कैल्प के साथ से कलर को नहीं लगाना चाहिए अगर आप गोल्डन वगैरह कलर यूज कर रहे हो तो। तो इस तरीके से पूरे बालों पे अप्लाई कर रही हूँ।
ओके। इसी तरीके से दूसरी साइड भी अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे इचिंग हो, खुजली हो, वहाँ पे तुरंत आप कोई टॉवल वगैरह रखिएगा, उससे साफ़ करते जाइएगा। तो इस तरीके से बालों का सेक्शन ले लेके अप्लाई करते जाना है। ओके, मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे लगाएं। अगर सेल्फ कर रहे हो तो इस तरीके से आपको भी करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो पूरा इस तरीके से लगाने के बाद से बालों को हाफ हाफ पार्टिंग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा हेयर लेके सब पे कलर को अप्लाई करेंगे ऐसे। अगर ऐसे आपको दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत हुई थी, तो मैंने क्या किया वो देखिए। वैसे ही आप भी करके अपने बालों में पूरा कलर को अच्छे से लगा सकते हो। तो दूसरे हाथ में भी ग्लव्स पहन लेती हूँ। ओके, और ब्रश से थोड़ा पीछे लगाने में आपको दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अप्लाई कर दी हूँ जब तक हो रहा है तब तक। उसके बाद से आपको जैसे हम लोग बालों पे मेहंदी अप्लाई करते हैं ना, वैसे कर लेंगे, हाफ हाफ पार्टिंग कर लेंगे बालों को दोनों साइड से। और इस तरीके से कलर को ब्रश से अगर लगा पाओ तो लगा लो, वरना आप डायरेक्ट देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे इसको हटा दीजिए ब्रश को, और डायरेक्ट मैंने हाथों से ही, ग्लव्स पहन के, बिना ग्लव्स के मत कीजिएगा, हाथों से ही डायरेक्ट अपने बालों में कलर को अप्लाई कर लिया है इस तरीके से। और ऐसे बहुत अच्छे से कलर मेरे बालों में लग गया था। तो आप भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर सेल्फ कर रहे हो तो दिक्कत तो आती ही है कलर वगैरह लगाने में, तो आप इस तरीके से हाथों से ही कलर को अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी साइड भी मैंने लगा लिया है उसी तरीके से, और क्लचर की मदद से पूरा सिक्योर कर लिया बालों को। जहाँ जहाँ स्कैल्प पे लग गया है वहाँ पे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ खुजली होती है और जलन होने लगता है। तो मेरा जहाँ जहाँ लग गया था वहाँ पे मैंने इस तरीके से टॉवल से साफ़ कर लिया था। और इसको मैं 1 घंटे तक ऐसे ही अपने बालों में रखूँगी, और उसके बाद वॉश कर दूँगी। ये देखिए क्या हाल हो गया यहाँ पे। तो इसको साफ़ कर देती हूँ, और इसको कलर आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको 1 घंटे तक ऐसे ही बालों में रखेंगे, और ये देखिए तो पूरा कलर मेरे बालों में आ चुका है। आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो इसको वॉश करके आते हैं और फाइनल रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए पूरा कलर बालों में आ चुका है। जारी में वॉश करने मैं शैम्पू यूज करूंगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, तो जिसकी वजह से आप इसको थोड़ा सावधानी से ही लगाइएगा, बच्चों के कॉन्टेक्ट से दूर रखिएगा। इसमें जो कंडीशनर दिया हुआ है 2 पाउच में यहाँ पे लेके जा रही हूँ, और कैसे लगाना है कंडीशनर को बालों को अच्छे से, मैं शैम्पू से वॉश करूंगी, क्योंकि मेरे बालों में इचिंग हो रही थी, तो शैम्पू लगा दूंगी, तो अगर थोड़ा बहुत कोई दिक्कत होने वाली होगी तो वो निकल जाएगा। तो मैंने शैम्पू से अच्छे से बालों को वॉश किया एंड कंडीशनर लगा के 2 मिनट तक रखा था, उसके बाद से हेयर को वॉश कर दिया। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर यहाँ पे बालों में आ गया है, और ये अभी गीले बाल हैं, तो सूखने के बाद फ्रेंड्स, तो मैंने ये अपना हेयर कलर किया है, गोल्डन हेयर कलर है, फर्स्ट टाइम पे ऐसा कलर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो हेल्पफुल जानकारियां देखने के लिए सीखने के लिए हेयर कलर कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कौन सा हेयर कलर है, कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर सही तरीका नहीं देखोगे तो आपके बालों को हार्म भी पहुँचा सकता है। तो वीडियो देखने के बाद ही हेयर कलर अप्लाई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।